नमस्कार साथियों, टारगेट विथ ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं रवि तिवारी। कल शाम को आपने आलोक सर का वीडियो देखा होगा और उन्होंने उस वीडियो में संस्थान की तरफ से यूपीएसआई के प्रवेश की जो रूपरेखा है उसकी भी बात की, कैसे आप प्रवेश ले सकते हैं उस पर भी बात की, पाठ्यक्रम क्या होगा उस पर भी बात की, और हमारे बैच की योजना क्या है, कौन कौन फैकल्टी में शामिल है, किसका कितना हिस्सा है, सारी बात आलोक सर ने कल आपसे की। आपने जो वर्दी पहनने का सपना संजो के रखा था, हम पूरी जिम्मेदारी से आपका हाथ थामने के लिए तैयार हैं। इसकी शुरुआत कल से हो भी गई है। आज के वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में 5 मिनट में मैं कुछ जरूरी बातों पर जो भर्ती से संबंधित है इन पर बात करूंगा, और आज से ही हम लोग अपनी पढ़ाई लिखाई को प्रारंभ कर देंगे। इसका मतलब 5 से 7 मिनट के बाद पहले चैप्टर्स की आज से हम लोग शुरुआत इस वीडियो के माध्यम से कर देंगे। तो कल की जो बात थी, सब कुछ आपको बताया गया था, उसमें से कुछ ऐसी बातें थी जो नहीं हो पाई, वो मैं आज आपको उन बातों से आज आपको अवगत कराता हूं। जैसे आयु संबंधी जानकारी है, कुछ फिजिकल से संबंधित जानकारी बस 5 मिनट में आपको बताऊंगा। प्रवेश की प्रक्रिया को भी मैं एक बार फिर से दोहराऊंगा और अगले 5 मिनट के बाद हम लोग पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ते हैं। एक प्रदेश की बड़ी परीक्षा यूपीएसआई, जिसको आप सामान्यकृत नहीं कर सकते और परीक्षाओं के साथ, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि यूपीएसआई परीक्षा है उसका अपना एक स्टैंडर्ड है, अपने एक मानक है। चाहे वो प्रश्नों की प्रवृत्ति के लिहाज से हम लोग देखें तो इस परीक्षा ने विगत वर्षों में रीजनिंग और मैथ्स के मामले में नए मानकों को देखा। जब आपने देखा कि जब आप सामान्य तैयारी करके पेपर देने के लिए गए थे तो वहां पर आपको मशीन इनपुट आउटपुट और इनइक्वलिटी जैसे सवाल मिले जो कि कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जाते, केवल नाबार्ड, आरबीआई और बैंक के पीओ में पूछे जाते हैं। यहां तक कि सीसेट भी आपसे इन प्रश्नों को नहीं पूछता। मैथ में भी ज्योमेट्री के सवालों ने, रेखागणित के सवालों ने आपको बहुत चौंकाया। प्रोबेबिलिटी से भी एक दो सवाल आपसे पूछे गए थे। सामान्य तौर पर देखें यूपीएसआई में मूल विधि का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, संविधान का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, तो पूरे संपूर्ण विषय विशेषज्ञों को चुनते हुए एक बंच बनाया गया है टारगेट विथालोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट द्वारा, और हम सभी उत्तर भारत की एक सर्वश्रेष्ठ टीम के रूप में घर बैठे आपको ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, जिन वीडियोज को आप कई बार देख सकते हैं। कहते हुए प्रसन्नता हो रही है, हम भारत का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको लाइव क्लासेस देते हैं और अपने तरह की अलग लाइव क्लासेस देते हैं जिनका एक स्टैंडर्ड होता है। और बहुत सारे पिछले बैचेज के बच्चे बता सकते हैं कि जैसे पहले दिन हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, अंतिम दिन तक हम उतने ही ऊर्जावान होते हैं, कहीं कोई कमी नहीं आती। आइए हम कुछ बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग लगातार लिख रहे हैं सर प्रवेश कैसे ले सकते हैं, उन्होंने कल का वीडियो नहीं देखा, तो बहुत आसान प्रक्रिया है। यह एक नंबर है, इस नंबर को सर्वप्रथम आप अपने मोबाइल में सेव करिए और व्हाट्सएप खोलिए। व्हाट्सएप के माध्यम से आप इस नंबर पर एक मैसेज टाइप करिए, एंट्री यूपीएसआई। जैसे ही आप इस मैसेज को टाइप करके भेजेंगे, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप इस मैसेज को टाइप करके जैसे ही भेजते हैं, आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। क्लियर? आप तुरंत ही हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ जाएंगे। तो आपको एक आसान प्रक्रिया को अपनाना है, एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। लेकिन जो छात्र एडमिशन ले रहे हैं उनको एक विधिवत पैकेज हम लोगों की तरफ से दिया जाएगा। जैसे सिस्टमेटिक गुरुकुल वाली पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से हम पूरी पढ़ाई को पहले दिन से अंतिम दिन तक करेंगे। इसका मतलब ये हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी, जब आप हमसे मिले हैं, जुड़े हैं, तो हमारी जिम्मेदारी हो जाएगी कि चयन तक हमें आपको कैसे पहुंचाना है। ये जिम्मेदारी है। बाकी लोग जो स्वयं से निष्ठावान है, कर सकते हैं, हम उनको भी समय समय पर सुझाव देते रहेंगे। लेकिन अब आपके पास समय नहीं है, क्योंकि अगर नवंबर मिड में एग्जाम हुआ है तो आज से देखिए तो लगभग 75 दिन आपके पास है। इस कोर्स में टेस्ट सीरीज भी है, डाउट क्लासेज भी है, कंप्लीट लाइव क्लासेज हैं संपूर्ण कोर्स की। पीडीएफ पूरे नोट्स, आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, यहां तक कि रीजनिंग और मैथ के भी नोट्स नहीं बनाने हैं, और प्रिंटेड नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं। तो आइए जुड़िए, तुरंत जो है एक व्हाट्सएप मैसेज करिए, जुड़ जाइए, इस प्रक्रिया से जुड़ जाइए, इन सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से जुड़ जाइए। और घर बैठे आपको कहीं धूल छाकने की जरूरत नहीं है कि आप किसी ऑनलाइन ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ने गए, 4 घंटे बैठे। हम आपको बेहतरीन 5 घंटे प्रतिदिन पढ़ाएंगे। एक वीडियो जो आपके पास पहुंचेगा आप कई बार देख सकते हैं, लाइव कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हमारे बैच में हम आपका लाइव जो है क्या करेंगे, आंसर करेंगे, जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं। अब कुछ और बातें, उसके बाद फिर पढ़ाई लिखाई। आइए देखिए, जैसे जब ये बात यहां पर हुई भर्ती की, तो मैं आपको बता दूं, महत्वपूर्ण जानकारी कुछ दे दूं।
कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं तो आप देख लीजिए। हाँ, विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, आपने ग्रेजुएशन किया हो, किसी भी स्ट्रीम में किया हो, आप यूपीएसआई के फॉर्म को भर सकते हैं। पहली बात, जल्दी जल्दी मैं इन पर बात करता हूं। आयु, आपकी जो आयु सीमा है वो जनरल कैंडिडेट के लिए 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। आप इस डॉक्यूमेंट को नीचे से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आप इस वीडियो के नीचे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हाँ, प्रवेश से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ रही है तो डिस्क्रिप्शन में हमारे संस्थान के 10 से 12 नंबर दिए गए हैं, आप उन संस्थान के नंबरों पर कॉल करके भी इस प्रक्रिया को जान सकते हैं, अपने प्रवेश को सुनिश्चित करा सकते हैं। जो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए संस्थान के, उन संस्थान के नंबरों पर आप कॉल करके अपने प्रवेश को सुनिश्चित कर सकते हैं यूपीएसआई बैच में, डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए, आयु प्राप्त कर ली है और 28 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त ना की हो, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को जो केवल उत्तर प्रदेश के मूल आयु निवासी हैं, अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष से अधिक नहीं होगी जितनी रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियमित। निश्चित रूप से कुछ वर्षों का रिलैक्सेशन ओबीसी एससी और एसटी को आपका दिया जाता है 28 के बाद। आइए फिर मैं आपको बताऊं, ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगी, 400 अंकों की होगी। कल भी ये चर्चा की गई थी कि 400 अंकों की लिखित परीक्षा है, चार भाग है, रीजनिंग है, मैथ है और इसके बाद हिंदी है और आपका सामान्य ज्ञान, मूल विधि और संविधान है। आइए, करंट अफेयर्स भी उसी में शामिल है आपका। सामान्य हिंदी ये पूरी रूपरेखा है, मैं आपको आज ही क्लियर कर दूं, मेरी जिम्मेदारी है कि 70 प्रश्न आपको केवल मैं ही कवर कराऊंगा। इस सिलेबस को ऐसे डिजाइन किया गया है कि लगभग 70 प्रश्नों की रूपरेखा, इसका मतलब 160 में से 70 प्रश्न मेरी जिम्मेदारी है, ये मैं आपको सही कराऊंगा। और इतनी रूपरेखा की विषय वस्तु मैं आपको स्वयं पढ़ाऊंगा, इसका मतलब है आप जिम्मेदार हाथों से हाथ मिला रहे हैं, कहीं भी ऐसा नहीं है, ये एक्सपर्टाइज है मेरा, मैंने 6 से 7 वर्ष इसमें काम किया है। यूपीएसआई में आप बिल्कुल एकदम गांठ बांध लीजिए कि इन 70 प्रश्नों को एक मंच से, एक ही आवाज से आपको हल कराऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, कुल विषय में 50% अंक, देखिए पहले योग्यता 50% थी लेकिन अब इस योग्यता को बदल के 35% कर दिया गया है। जैसे कि न्यूज पेपर्स में आपने देखा कि 35% अंक जब आपके होंगे सेगमेंट वाइज तो फिर आप पास माने जाएंगे, 50% की सेगमेंट वाइज पास करने की योग्यता को समाप्त कर दिया गया है, ये परिवर्तन है। आइए, अभिलेखों की समीक्षा परीक्षा, ये तो ठीक है। हाइट देखिए, हाँ यहां पर 168 सेंटीमीटर और 160 सेंटीमीटर, क्लियर है, ये हाइट का है आपका जो है, और यहां पे जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 और 147, ठीक। जनरल ओबीसी एससी 168 और एसटी का 160। चेस्ट अगर हम देखें तो 79 और 77, ये अलग अलग है, लेकिन 5 सेंटीमीटर यहां पर आपको और फुलाना पड़ेगा, तो फुलाने के बाद ये 84 हो जाएगा और 77 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो 79 बिना फुलाए और यहां पर 5 जोड़ने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका, बताइए, 84 हो जाएगा और ये 82 हो जाएगा। इस स्तर से आपको तैयारी शुरू करनी है शारीरिक दक्षता की। और पिछले, अगर देखिए अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में आपको पूरी करनी है और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी है। ये पूरा डॉक्यूमेंट में नीचे संलग्न कर रहा हूं, आप वहां से इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गई एक मोटी मोटी बात। अब ये देखिए सिलेबस देख लीजिए, आप में से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, तो संपूर्ण हिंदी के सिलेबस को यहां पर लिखा गया है, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण, पूरा यहां पे हिंदी का सिलेबस है, आप गौर से देखिए, पढ़ सकते हैं। मूल विधि संविधान में, मूल विधि में आपको क्या क्या पढ़ना है जो है लिखा है, दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं बच्चों अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान, यातायात नियम, पर्यावरण संरक्षण, पूरा लिखा हुआ है। और इसके अलावा संविधान का भी सिलेबस जो आपको पढ़ना है वो भी पूरा लिखा हुआ है। सामान्य ज्ञान में कैसा सिलेबस है, किन किन विषयों को आपको पढ़ना है, उसको भी पूरा विस्तृत करके सामान्य ज्ञान के सिलेबस को यहां पे लिखा गया है। संख्यात्मक योग्यता मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है वो भी पूरा देखिए लिखा गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। रीजनिंग में क्या क्या लिखा है पढ़ना है ये भी पूरा दिया गया है। और 3 प्रकार की रीडिंग, पुलिस अभिरुचि में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पे मानसिक अभिरुचि में जनहित, कानून एवं शांति, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यवसायिक सूचना, ये सब आपको यहाँ पे पढ़ना है। फिर रीजनिंग में आपको क्या क्या पढ़ना है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में, यहाँ पे ये भी लिखा गया है।
तार्किक परीक्षा में आपको, तार्किक परीक्षा मतलब लॉजिक रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, ये भी लिखा है। यहाँ पर सामान्य प्रकार की रीजनिंग नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, लेकिन विगत वर्षों में भी जो छात्र छात्राएं जुड़े रहे हैं उन्होंने निश्चित रूप से 100% रीजनिंग में यूपीएसआई में पास किया है, चाहे वो ऑफलाइन का मामला हो चाहे ऑनलाइन का मामला हो। इस समय मैं ऑफलाइन में तो कहीं नहीं हूं, लेकिन ऑनलाइन में अपने इंस्टीट्यूट में मैं क्लासेस प्रोवाइड आपको कर रहा हूं कंप्लीट बैच के साथ। आइए, बहुत सारे लोग जो मुझसे पहले पढ़े हुए हैं और आज चयनित हैं वो कमेंट कर सकते हैं, जिनके अनुभव कैसे रहे वो भी आपको बता रहे होंगे। अब आइए करते हैं कुछ पढ़ाई लिखाई की शुरुआत। पढ़ाई लिखाई में पहले ही एक सॉफ्ट टॉपिक से मैं शुरुआत करता हूं, जहां से निश्चित रूप से आपके प्रश्न मिलते हैं, ये मैंने नंबर बता चुका हूं आपको। आइए, जैसे एक टॉपिक है जिसमें हम कहते हैं आकृतियों की गिनती करना, तो आकृतियों की गिनती करने में जो सवाल आते हैं वो कहां कहां से आते हैं। सबसे पहले त्रिभुज से आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखें तो वर्ग से आते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखें तो आयत से आते हैं, आयत के बाद हम लोग देखें तो फिर आते हैं घनों की संख्या को गिनना, घनों की संख्या से आते हैं, फिर हम कहते हैं समांतर रेखाओं के युग्म, समांतर रेखाओं के युग्म, यहां से भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम त्रिभुज से आज आपकी शुरुआत कर देते हैं इस पढ़ाई लिखाई की, और हम जल्दी से जानेंगे कि इन त्रिभुजों की संख्या को हम गिनते कैसे हैं, है ना। हमारे पास समय नहीं होता, वैसे तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ मामला होता है आपका, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से जुड़ा हुआ मामला होता है, लेकिन जब हम रीजनिंग में होते हैं तो हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को नहीं लगाते, हम अलग तरीके से इन त्रिभुजों को गिनते हैं, जैसे कुछ हिस्सों पर मैं आपसे अभी तुरंत बात करता हूं। आइए, एक आज से एक शुभ कार्य की पढ़ाई लिखाई की कुछ शुरुआत हो जाए। जैसे मान लीजिए आप कहेंगे सर ये एक त्रिभुज है, मैंने कहा ठीक है, अगर मैं इसी आकृति को थोड़ा सा बढ़ा दूं और यहां पे मैं दो लाइन खींच दूं इसमें, और मैं आपसे पूछूं त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे तीन है। कौन कौन से तीन त्रिभुज है? आप कहेंगे सर एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है और तीसरा त्रिभुज ये है। क्लियर? अब हमने कैसे निकाला, तो आपको केवल सेगमेंट गिनना है, एक और दो, दो सेगमेंट को आपने गिना, जितने सेगमेंट हो उनको आपस में धन कर दीजिए, तो यहां पे कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए, तीन हो जाएगी। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या आपकी कितनी होगी, तीन होगी। अगर हम इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ के देखें और ऐसे हम कई त्रिभुज में लाइन खींच दें और आपको इन त्रिभुजों की अगर गिनती करनी हो, जैसे मान लीजिए मैंने इस तरीके का एक त्रिभुज बनाया और मैं आपसे पूछूं कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो ये प्रश्न उतना ही आसान है जितना आसान प्रश्न आपने अभी हल किया। जैसे मैंने आपसे कहा एक दो तीन चार पांच छह, अगर आपसे कहा गया छह तो आपको सेगमेंट गिन लेने हैं, छह सेगमेंट, रेखाएं नहीं गिननी है, मैं बार बार कह रहा हूं गलती मत करिएगा, रेखाएं नहीं गिननी है सेगमेंट गिनने हैं। छह और पांच ग्यारह, चार पंद्रह, तीन अठारह, दो बीस, एक इक्कीस, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इक्कीस। सामान्य परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया, लेकिन इसी प्रश्न को जब यूपीएसआई 2016 की परीक्षा में आपसे पूछा गया तो लैंग्वेज बदल गई थी, उसमें लिखा था एक आधार पर, ध्यान से सुनिएगा लैंग्वेज कैसे बदली थी, एक आधार पर यदि यदि एक दो तीन चार पांच छह सात, एक आधार पर यदि सात लंबवत रेखाएं, लंबवत रेखाएं आपस में त्रिकोण बनाती हुई खींची जाएं, आपस में त्रिकोण बनाती हुई खींची जाएं, त्रिकोण का मतलब त्रिभुज, बनाती हुई खींची जाएं, तो आभासी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। क्या पूछा था? एक आधार पर, मतलब एक आधार ये हो गया, एक आधार पर यदि सात लंबवत रेखाएं, वर्टिकल लाइंस, त्रिकोण बनाती हुई आपस में खींची जाएं, तो आभासी, आभासी का मतलब दिखने वाली, तो आभासी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। अगर हम सीधे गिन दें छह और पांच, ग्यारह चार पंद्रह तीन, अठारह दो बीस, एक इक्कीस, तो कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, इक्कीस। जब ये सवाल आपको यूपीएसआई 2016 में मिला तो आपको लगा ये ज्योमेट्री का सवाल है कि रेखागणित का सवाल है, जबकि एक आसान रीजनिंग का सवाल था जिसको चार सेकंड में हम लोग हल कर सकते थे। जैसे मान लीजिए मैं एक और प्रश्न आपसे बोल दूं, मैं कहूं एक आधार पर अगर नौ लंबवत रेखाओं को, नौ लंबवत रेखाओं को अगर खींच दिया जाए, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ, प्रश्न था एक आधार पर अगर नौ लंबवत रेखाओं को
ऐसे खींचा जाए कि सारी रेखाएं एक दूसरी रेखाओं के साथ त्रिकोण बना रही हों, तो आभासी आकृति में कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? आसान है, अगर हम गिनने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब बताइए 8 और 7 15 और 6 21, 21 5 26 4 30, 30 3 33, 33 2 35 1 36। तो यहां पर कुल त्रिभुज कितने होंगे बताइए? 36 होंगे। तो यहां पर आपका उत्तर कितना होगा? 36। आसान प्रक्रिया है, आसान तरीके से सवाल क्या होते हैं, हल होते हैं। केवल हमारे दिमाग मस्तिष्क को हमें समझने की जरूरत है, बहुत आसानी से हम इनको हल कर सकते हैं। जैसे एक और प्रश्न मैं इसी में लेता, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे मैं कहूं 1, 2, 3, 4, 5, शांति से सुनिए, रेखाओं को कभी मत गिनिए, सेगमेंट्स को गिनिए। किनको गिनिए? सेगमेंट्स को गिनिए। सेगमेंट का मतलब 1, 2, 3, 4। सेगमेंट कितने हुए? 4। अगर 4 सेगमेंट है तो इस आकृति में त्रिभुज कितने हुए? सबको जोड़ दीजिए, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? 10। कठिन से कठिन फिगर काउंटिंग की आकृति हो, हम आसानी से हम लोग हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप उस एग्जाम ने देखा कि इस आकृति को तो सभी लोग सीख गए, अब उसने इस आकृति में वेरिएशन किया। मान लीजिए उसने इतनी रेखाएं खींची, 4, 5, 6 रेखाएं खींची, और उसने 1, 2, 3, 4 रेखाएं ऐसी खींच दी। अब आपके लिए इस आकृति में त्रिभुज गिनना उतना आसान नहीं होगा जितना आप अभी समझ रहे थे। इस आकृति में अगर त्रिभुज गिनना है तो आप उसी प्रक्रिया को अपनाइए। गौर से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले आप सेगमेंट को गिन लीजिए। अगर सेगमेंट को आपने गिना तो 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 14 और 1 15। तो यहां पर बताइए कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई? 15। तो आपने कहा यहां पर कितने त्रिभुज हैं? 15। अब गौर से देखिए, कुछ नहीं करिए, आधार की लाइन को छोड़ दीजिए और जितनी लाइंस खींची हो उससे एक बड़ी संख्या का गुणा कर दीजिए। तो अगर लाइंस की संख्या 1, 2, 3, 4 है तो हम गुणा कितने का कर देंगे? 5। तो इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 75 हो जाएगी। तो आप लिखेंगे 75 ट्राइंगल्स इन दिस फिगर। आइए, क्लियर हुआ? अब जैसे मान लीजिए इसी आकृति के एक और परिष्कृत रूप को मैं लिखूं, 5। मैंने 5 रेखाएं खींची और यहां पर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 रेखाएं खींची। अब मैं सिंपली आपसे कहूं कि इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो आसानी से अगर आपको गिनना है तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4। पहले सेगमेंट गिन लें, 4, 3, 7, 2, 9, 1, 10। ये 10 हो गए, आंसर कर दीजिए। बस ये देख लीजिए हॉरिजेंटल लाइंस कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइन है अगर है तो हम 7 का गुणा कर देंगे। तो दी हुई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी बताइए? 70 हो जाएगी। और 70 यहां पर क्या होंगे? त्रिभुज होंगे। क्लियर है? तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या क्या होगी बताइए? 70 होगी। अलग अलग आकृति होती है, मैं विस्तृत रूप से जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, अभी तो मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं जिससे आप क्विकली कुछ चीजों को सीख सके। जैसे अगर हम एक आयत या वर्ग में चारों लाइंस खींच देते हैं तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है बताइए? जैसे मान लीजिए ये प्रश्न आपसे एक बार पूछा गया था, अगर हम इसमें चारों लाइन खींच दें तो यहां पर त्रिभुजों की संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8। तो 8 अगर त्रिभुज इसमें है तो वो 8 कौन से हैं? तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4। 4 तो ये हो गए। अब इसी आकृति को अगर हम आगे बढ़ाएं तो गौर से देखिए, एक लाइन आपकी यहां से 20 से खींची हुई है, तो अब इसमें देखें तो 4 के बाद 5वां त्रिभुज ये होगा और 6वां त्रिभुज आप गौर से देखिए ये होगा। क्लियर है कि नहीं? अब गौर से यहां पे देखिए, फिर इसी आकृति को अगर हम एक बार और ले लेते हैं तो अब गौर से यहां पे देखिए, एक लाइन ये खींची हुई है तो 7वां त्रिभुज आपका यहां होगा और 8वां त्रिभुज आपका यहां होगा। तो अब 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब हम यहां से कॉन्सेप्ट ले सकते हैं कि एक आयत या वर्ग में अगर हम दोनों विकर्ण खींच दें तो त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट को भी इसमें फॉलो करेंगे लेकिन थोड़ी देर बात करेंगे। 8 होती है अगर, और इन 8 को अगर हमें देखना है तो हम कैसे देखेंगे? ऐसे देखेंगे। अब मान लीजिए यूपीएसआई में जब प्रश्न आपसे पूछा गया
तो ऐसे पूछा गया, जैसे आपने कहा इसमें कितने हैं, तो आपने अभी देखा सर 8 हैं। फिर पूछा हमने इसमें कितने हैं, तो आपने कहा सर इसमें भी 8 हैं। तो मैंने कहा दोनों में जोड़ दीजिए, तो आपने कहा 16 है। ये एक सामान्य बात थी, ये नहीं पूछा गया आपसे। आपसे जब पूछा गया तो आपसे ये पूछा गया कि ये मान लीजिए एक आकृति है और इस आकृति को हमने आपस में जोड़ दिया और इस प्रकार से जोड़ा। अब आपसे पूछा कि कितने त्रिभुज हैं, तो अब गौर से देखिए 8 इसमें होंगे और 8 इसमें होंगे, क्योंकि ये तो इसकी प्रॉपर्टी है। लेकिन नॉन वर्बल की भाषा में इस स्थिति को हम कहते हैं JI, और JI का मतलब होता है जंक्शन इंपैक्ट। क्या होता है? जंक्शन इंपैक्ट, है ना। ये जंक्शन जो इंपैक्ट है, एक जंक्शन इंपैक्ट आप गौर से देखिए हमेशा दो नए ट्राइंगल देता है जब जुड़ता है। देखिए इससे पहले ये त्रिभुज नहीं था और ये त्रिभुज भी इससे पहले नहीं था, क्लियर। अब ये दो त्रिभुज अगर नहीं थे तो अब त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई बताइए? 18। कितनी हो गई? 18, क्योंकि 8 8 16 2 18। अब UPSI ने, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जंक्शन इंपैक्ट हमेशा कितने नए ट्राइंगल देता है बताइए? दो नए ट्राइंगल्स को जंक्शन इंपैक्ट देता है। UPSI ने जब आपसे प्रश्न पूछा तो वहां पे उन्होंने एक ऐसी आकृति को खींचा था, मैं रंग बदल दूं ताकि विजुअलाइजेशन आपका अच्छा हो सके। हाँ, UPSI ने जब पूछा तो उन्होंने एक ऐसा प्रश्न पूछा आपसे, गौर से देखिए, जहां पर बहुत सारे त्रिभुज थे ऐसे, और उन्होंने इन लाइनों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ा था और इन लाइनों को परस्पर एक दूसरे से जोड़कर और यहां पे दिखाया था कितने त्रिभुज। तो आप कहेंगे 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें 8 इसमें। अब जंक्शन इंपैक्ट गिन लीजिए, 2 इसका 2 इसका और 2 इसका। अगर हम लोग देखें तो 8 4 32 और 32 2 2 6 और 32 और 6 कितने हो गए? 38। तो यहां पे त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में कितनी हो जाएगी बताइए? 38 हो जाएगी। अगर हम केवल ये याद रखें कि जंक्शन इंपैक्ट कैसे होते हैं, तो हम त्रिभुजों की संख्या को आराम से याद कर सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे यहां पर हम लोगों ने बताया। अब अलग अलग जब एग्जाम हुए तो ये आकृतियां नीचे की ओर भी बनी, ये आकृतियां ऐसे भी बनी, ये आकृतियां ऐसे भी बनी, और यहां से भी प्रश्न पूछे, जो भी निकालना बहुत आसान है। अगर इस आकृति में देखें तो भी हम त्रिभुजों की संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्लियर। तो फिर एक आकृतियों के जुड़ने से कई आकृतियां बनती हैं, है ना। तो ये टॉपिक की शुरुआत जो मैंने आपसे की, उस टॉपिक को कैसे पूरा पढ़ना है, लगभग 200 फिगर में आपको इस ट्राइंगल में पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर में पढ़ाऊंगा, और इन 200 फिगर्स के माध्यम से जब पेपर आएगा तो 4 से 5 सेकंड में आप पलक झपकते उसका उत्तर दे देंगे, जिस मेथड को हम कहते हैं थिंक विदाउट इंक। थिंक विदाउट इंक मतलब बिना स्याही के सोचना। आप जानते हैं बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से ही हल हो जाते हैं, आपको उन प्रश्नों को लगाने की जरूरत नहीं है। चाहे मैं हूं और चाहे संदीप सर हैं, संदीप सर मैथ के जबरदस्त गंभीर टीचर हैं, आपके साथ जो मेरे साथ फैकल्टी में है इंजीनियर संदीप तिवारी, उनसे विद्वान व्यक्ति गणित के मामले में नहीं हो सकता। वो पलक झपकते UPSI की गणित आपको हल करवाएंगे और बहुत शानदार मेथड से आपको हल कराएंगे, क्लियर। तो एक सशक्त टीम के साथ मैं आपके साथ हूं, क्लियर। जैसे कल सर ने आपको बताया था, आलोक सर ने, अटल तिवारी BHU से लॉ ग्रेजुएट अटल तिवारी जी आए हैं, वो आपको मूल विधि और संविधान की, मूल विधि की क्लास लेंगे। केस स्टडीज के लिए या मूल विधि के जो केस है उन पर एक पॉलिश करने के लिए, उन पर व्याख्या करने के लिए और बेहतर तरीके से संविधान और मूल विधि को आपके दिमाग में सेट करने के लिए हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सिंह जी को बुलाया है, जो इस समय प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वकील है, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वकील है। तो ऐसे विशेषज्ञों की टीम अमरीश सर हिंदी के लिए है, शेखर जैसे सर जैसे योग और मेहनती व्यक्ति इतिहास को देख रहे हैं, रमेश सर जैसे विद्वान व्यक्ति आपकी जो है अर्थव्यवस्था की क्लासेज को देख रहे हैं, संतोष सर आपकी संविधान की क्लासेज को देख रहे हैं, जो अपने आप में अपार अनुभव रखते हैं, उनकी बातों ही बातों से प्रश्न हल हो जाते हैं। गौरव सर उम्र में छोटे हैं लेकिन पर्यावरण और भूगोल का जबरदस्त ज्ञान गौरव सर को है, और गौरव सर आपके इस हिस्से को देख रहे हैं। तो एक सशक्त टीम के माध्यम से एक बंच करके हमने प्रयास किया है कि ये जो टारगेट 160 है, 160 प्रश्नों को कैसे तोड़ा जाए और कितना प्रश्न आपको पहले ही सुरक्षित कर दिया जाए ताकि आप सिलेक्शन की प्रक्रिया में क्या हो, अग्रणी हो और आगे बढ़े।
क्लियर। तो ऐसा प्रभाव आज से, चूंकि बहुत पढ़ाई तो नहीं हो पाई, चूंकि पहली हमारी क्लास थी और बहुत इंट्रोडक्शन था, तो आज हमने बहुत नहीं पढ़ाया, लेकिन एक शुरुआत, सजग शुरुआत हम लोगों ने यहां से जरूर कर दी है कि यहां से आपको इस चीज को करना है। क्लियर। एडमिशन की प्रक्रिया में पेज के प्रारंभ में ही बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए गए हैं, वेबसाइट के माध्यम से हम आपको लाइव क्लासेस देंगे। बाद में आप सभी लोगों को जोड़ पाना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक आध दो तीन दिन में जो एडमिशन प्रक्रिया हमारी चल रही है, उसके बाद जब एक बार सिलेबस शुरू हो जाता है, तो फिर इतनी क्लास आपके लिए ऊपर ओवरलैप हो जाती है कि फिर वो पढ़ाई विधि विधान से नहीं हो पाती। तो फ्रेश बैच में शुरुआत से जुड़िए, आइए साथ दीजिए, हाथ मिलाइए, और फिर तेजी से हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नई सफर पर, एक नई यात्रा पर, जो निश्चित रूप से आपको अंतिम चयन की ओर ले जाएगा। मैं वादा करता हूं अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से एक रत्ती भी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो जल्द ही हम दोनों मिलकर एक दूसरे से जय हिंद करेंगे, ये मेरा वादा रहा। क्लियर। तो आपकी सफलता ही संस्थान का अंतिम उद्देश्य और अंतिम लक्ष्य है, चाहे हमें जितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इसमें इतना ही। कल से एक विधिवत पढ़ाई लिखाई की शुरुआत के साथ मैं हाजिर होऊंगा। रात में 9 बजे रटलो सीरीज के माध्यम से करंट अफेयर्स जरूर पढ़िए आप सभी लोग, क्योंकि आपकी परीक्षा अगर नवंबर दिसंबर में होती है, तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक के करंट को आपको तैयार करना है, और मैं करंट अफेयर्स ठीक रात में 9 बजे आप लोगों को डेली तैयार करा रहा हूं। तो रटलो सीरीज में आपकी पढ़ाई लिखाई ऑलरेडी चल रही है, तो उस सीरीज के माध्यम से जुड़िए। आपकी जो पढ़ाई लिखाई का स्टैंडर्ड है वो अलग है, जैसे इनपुट आउटपुट का कोई वीडियो नहीं मिलेगा, इनइक्वलिटी का कोई वीडियो नहीं मिलेगा, आर्गुमेंट्स के कोई वीडियो नहीं मिलेंगे, एजम्पशंस के नहीं मिलेंगे, इन्फ्रेंसेस के नहीं मिलेंगे। ये आपको पढ़ना है, जो आपकी अलग विशेषज्ञता को दर्शाता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रवेश से संबंधित दिक्कत के लिए डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए गए उन नंबर पर फोन करें, या जो नंबर आपको बताया गया उस पर इंट्री लिख के व्हाट्सएप करें, आप हमारे बैच से तुरंत जुड़ जाएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।